नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 11s वर्सेस Poco M4 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 11s में 6.65 इंच जबकि M4 Pro 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 11s से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 11s में 3.03 इंच जबकि M4 Pro 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 11s से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 11s में 0.35 इंच जबकि M4 Pro 5G में 0.34 इंच की थिनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 11s में 205 ग्राम जबकि M4 Pro 5G में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Hot 11s में 20:5:9 जबकि M4 Pro 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 11s में 6.78 इंचेस जबकि M4 Pro 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 11s में 1080x2480 और M4 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 11s में 84.06% जबकि M4 Pro 5G में 84.97% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 11s में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और M4 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Hot 11s में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M4 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 11s में Mali G52 MC2 जबकि M4 Pro 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 11s में MediaTek Helio G88 और M4 Pro 5G में MediaTek Dimensity 810MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB की RAM मिलती है जबकि M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Hot 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि M4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Hot 11s में अप टू 256GB जबकि M4 Pro 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 11s में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M4 Pro 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो इन्फिनिक्स हॉट 11S में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M4 Pro 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A12 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है, तीसरा शाओमी पोको M2 Pro है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी 9 प्राइम है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।